नमस्कार द डेजर्ट स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता शर्मा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मैनचेस्टर यूनाइटेड के एस क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शुक्रवार को अल वसल क्लब के साथ फुटबॉल पिच की अदला बदली की, जहां उन्होंने एक्सपो 2020 दुबई में अपने विशाल दुबई प्रशंसक बेस के बीच एक क्वेश्चन एंड आंसर सत्र में भाग लिया। पुर्तगाल इंटरनेशनल प्लेयर ने उनके जुनून और यात्रा के बारे में बात की, जिससे वह दुनिया के शीर्ष फुटबॉलरों में से एक बन गए। उन्होंने दुबई की प्रशंसा करते हुए कहा कि दुबई हमेशा कुछ अद्वितीय और अलग करता है। टर्की के अल शेख जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि रियाद सीजन 2 ने 100 दिनों में 10 मिलियन से अधिक विजिटर्स को पार कर लिया है। रियाद सीजन की सफलता और बड़ी संख्या में विजिटर्स की उपलब्धि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ आई है। दुबई कॉरपोरेशन फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज ने एक्सपो 2020 दुबई में दुनिया के सबसे तेज और सबसे महंगे एम्बुलेंस रिस्पॉन्डर हाइपर स्पोर्ट रिस्पॉन्डर का इनॉग्रेशन किया। यूएई में निर्मित लाइकन हाइपर स्पोर्ट सुपर कार दुबई स्थित कंपनी डब्ल्यू मोटर्स द्वारा निर्मित है और इसकी कीमत 13 मिलियन दिरहम्स है। दुनिया में केवल 7 लाइकन हाइपर स्पोर्ट सुपर कार में से एक हाइपर स्पोर्ट रिस्पॉन्डर 2.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुवैत एयरवेज ने शनिवार को दिए एक बयान में कहा कि मौजूदा स्थिति के कारण इराक के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। यह निर्णय कुवैत के सिविल एविएशन अथॉरिटी द्वारा लिया गया है। आज के खबरों में बस इतना ही। द डेजर्ट स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।